कॉकपिट का व्यू मजा आ गया भाई। विंडशील्ड देख सकते हैं सामने से, इसका स्टॉक सीट को हमने निकाल दिया है और अभी देखिए पीछे से लुक भी कैसा आ रहा है, चेसिस लंबा कर दिया है। आपको चाहिए ये स्प्रे कैन, गाइस वेलकम टू एसजे ब्लॉग्स। तो गाइस फाइनली बहुत दिन के बाद इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो गाइस इससे पहले जो इसका मॉडिफिकेशन था वो आपने देख लिया है, वो फुल्ली वाइट था और वो वीडियो को काफ़ी सारा प्यार दिया आप लोगों ने और बहुत सारा दोस्त भी सेम टाइप का ग्राफिक्स बना लिया है। वो 2020 में फुल्ली वाइट कर दिया था, तब फुल्ली वाइट KTM RC नहीं था, तो तब मैंने फुल्ली वाइट कर दिया था। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और उसका बाद मैंने ऑरेंज कर दिया था, फिर उसका बाद फाइनली ऑरेंज KTM का ऑफिशियली ऑरेंज लॉन्च हो गया। तो ऑरेंज अभी मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा ऑरेंज हो गया। अभी इसको एकदम डेविल लुक में कन्वर्ट करने वाले हैं मॉडिफाई करके। तो बहुत दिन से सोच ही रहा था लेकिन फाइनली अभी करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका लुक, ये वाइट एंड ऑरेंज में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे जो ऑरेंज का पार्ट है इसको ब्लैक करना है। तो गाइस बाइक को तो हमने खोल दिया है, अभी हम टैंकी को खोलने वाले नहीं है। आप चाहे तो टैंकी को खोल सकते हैं लेकिन मैं टैंक कवर को नहीं खोलने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले किचन में यूज़ करने वाला सामान ही चाहिए आपको बेसिकली, ये नाइफ, देख सकते हैं इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से पेंट निकाल सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हमने बाइक को पूरा कवर कर लिया है, जो जो पार्ट में हम कलर नहीं करेंगे उसको हमने ढक दिया है, ठीक है, आपको भी ऐसे ढक देना है। हमने आधा चेसिस छोड़ दिया है क्योंकि आधा चेसिस पे हम ब्लैक करने वाले हैं, तो इसीलिए उसको कवर करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने टैंकी नहीं खोला है। तो अगर आप चेसिस कलर नहीं करने वाले हैं तो टैंकी आप खोल सकते हैं। तो गाइस अभी हम कलर का फास्ट कोट मारने वाले हैं और फास्ट कोट एकदम हल्का होना चाहिए, कलर लगे या ना लगे एकदम हल्का होना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम हल्का से मारिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके मारिए, 5-6 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके मारिए कलर, फास्ट कोट थोड़ा बस लगना चाहिए।
5 minutes later. तो आप देख सकते हैं स्क्रैच अभी भी विजिबल है, ये स्क्रैच को इनविजिबल बनाना पड़ेगा। अभी तो धूप चला ही गया है लगभग। One hour later. तो अभी हम मार रहे हैं सेकंड कोट चिपिस पे। तो गाइस अभी हम बाइक का साइड फेयरिंग को घिस रहे हैं, ये सैंड पेपर से सैंडिंग कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है इसको घिस रहे या फिर अपने हाथ को घिस रहे हैं। कोई बात नहीं, 4-5 मिनट में तो निकल ही जाएगा। 4-5 मिनट तो से तो ज़्यादा घिस रहे हैं, निकल ही नहीं रहे। पूरा पार्ट को घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो One hour later. तो अभी आपको इसके बाद क्या करना है, सारे पार्ट्स को ऐसे लटका देना है जैसे मैंने लटका दिया है। थोड़ा विंड नॉइज भी आ रहा होगा, हवा तेज हवा चल रहा है, अच्छा है, जल्दी सूख जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लटका देना है, सारा पार्ट्स को जो जो आप कलर करना चाहते हैं उसको लटका देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए ये स्प्रे कैंस, ये कुछ ज़्यादा ही हमने ले लिया है, इतना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत से हो जाएगा, एक या दो से हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम स्प्रे मारते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, अब में ज़रूरत होगा। फिर आपको हल्का सा मारना है, एकदम हल्का होना चाहिए, ये साइड से मारना पड़ेगा, हवा ये साइड से जा रहा है, हाँ तभी अच्छे से बैठेगा। एकदम हल्का से मारना है इसको, ठीक है। फर्स्ट कोट आपको एकदम बहुत ही लाइट देना है, एकदम हल्का से मारना है। जो अनवांटेड एरिया है उसमें नहीं मारना है, जो नहीं चाहिए उसमें आपको नहीं मारना है। तो लगभग ये हो गया है फर्स्ट कोट। फर्स्ट कोट थोड़ा चिपकाने के लिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मारना है आपको। 5 minutes later. अभी हम अप्लाई करेंगे सेकेंड कोट। ये देखिए मैंने मैट ब्लैक लिया है, इसका सील खोलना पड़ेगा, लेकिन सील तो पहले से खुला हुआ है, ये क्या बात हुआ, ये तो गलत बात हुआ, सील पहले से खुला हुआ है तो गलत है भाई। सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, थोड़ा दूरी से, इतना भी ज़्यादा दूरी नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलता है आपको बहुत ज़्यादा दूर से करना है, एक्चुअल में इतना दूर से नहीं करना है। लगभग ये सूखने वाला है, इसका लास्ट कोट अभी बाकी है। फर्स्ट कोट सेकेंड कोट मारा है और फाइनल कोट मारने से हो जाएगा, उसके बाद क्लियर मारना पड़ेगा। ये मैट ब्लैक इसे भी मार रहे हैं।
hours later. अभी इसमें थोड़ा क्लियर मारना है. इसका चमक ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमने इसमें क्लियर मार दिया है. क्लियर आपको चमक, इसका चमक थोड़ा बढ़ाएगा. और मेन बात क्या है, इसका लास्टिंग भी बढ़ा देगा अभी. तो गाइस, ये क्लियर मारने का फ़ायदा क्या है, ये तो क्लियर ही है, यही इसका टेक्निक है. इसके लिए ये बहुत दिन टिकेगा क्योंकि जैसे आपको पता है स्प्रे पेंट ज़्यादा वॉश करने से निकल जाता है या फिर पेट्रोल से वो निकल जाता है. ये क्लियर आप यूज़ कीजिए, अब नहीं निकलेगा और काफ़ी दिन ये टिकेगा. एक दो साल तो आराम से टिक जाता है. पिछला कलर तो मेरा 2 साल हो गया, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं. वो कलर पे कलर स्प्रे से ही मैंने मारा था. अभी इस बार ये टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा और हो सकता है आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा, लेकिन स्टोर पे ये अवेलेबल नहीं होता है. ऐसे कलर पेंट आपको मिल जाएगा सेम ब्रांड का, लेकिन ये क्लियर नहीं मिलता है. अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको. ठीक है, ठीक है. ये ब्लैक सिल्वर. इसमें थोड़ा ब्लैक मार देते हैं. तो गाइस, अभी हम लगाएंगे राइट साइड का ये पार्ट. राइट साइड का फेयरिंग लगाएंगे हम. यही सबसे मेहनत का काम है. मेहनत मतलब आसान है, बस इसे आपको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा अकेला लगाने में. कोई बात नहीं, देखते हैं इसको यार. कहाँ से टैटू बनाया आपने? ये हाथ से बनाया मैंने अपने.
5 minutes later. Hours later. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाइक को वॉश कराने. इसका कॉकपिट का व्यू तो भाई मज़ा. मोबाइल होल्डर यहाँ पे मिडिल में मैंने कैसे माउंट किया है वो आपको बाद में बता दूंगा. बहुत दिन से चलाया नहीं, बैटरी लो ही हो गया. तो गाइस ये वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया यार, मतलब बहुत दिन लग गया है. एक हफ्ते से ज़्यादा से मैं काम कर रहा हूँ, अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस पर लगा हुआ हूँ, क्योंकि इसको नेक्स्ट लेवल का मॉडिफिकेशन कराना था. इसको जो मॉडिफिकेशन किया है वो सब स्टॉक पार्ट्स है. तो यहाँ से हम दो नट लेंगे, एक 10 नंबर का, ठीक है. अंकल तो 10 नंबर का नट दीजिए तो छोटा वाला. 10 नंबर का दो नट चाहिए छोटा. हाँ ये चाहिए, यही चाहिए. दोनों का कितना? तो हमने अंकल के वहाँ से 2 10 नंबर का नट लिया है. उसका क्या करने वाले हैं वो आपको अभी बताएंगे, क्यों लिया है वो नट. यहाँ पे भी तो हवा मार देता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. कार वॉश तो यहाँ पे ही है. तो गाइस हमने इसे वॉश करा लिया, तो आप देख सकते हैं फॉर्म वॉश नहीं किया क्योंकि कलर किया हुआ 3 दिन हो गया और फॉर्म वॉश नहीं करना है, ठीक है. अभी 3 दिन हो गया इसीलिए हमने सिर्फ पानी मार लिया है, और पानी मारने के बाद हवा मार दिया है ताकि कोई भी पानी का दाग ना रह जाए, ठीक है. पानी सूख जाने के बाद स्पॉट बन जाता है, तो इसीलिए हवा मारने से वो चला जाता है, ठीक है. तो अभी आप देख सकते हैं इसका लुक, ये कार्बन फाइबर जैसा लग रहा है बिल्कुल. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कार्बन फाइबर जैसा लग रहा है. और विंडशील्ड, अरे वाह, ओ भाई विंडशील्ड क्या लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल जो स्टॉक विंडशील्ड है उसको काटना पड़ा था हमको, ठीक है. उसको काट के थोड़ा मॉडिफाई करके लगा दिया है. आप यहाँ से कॉकपिट का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है. बहुत मेहनत लग गया यार ये वीडियो बनाने में. और सबसे मेजर मॉडिफिकेशन जो है वो है इसका बैक सीट. आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, आपका गर्लफ्रेंड या फ्रेंड अभी आराम से बैठ सकता है इसमें. तो बस अभी आपको हम बाइक का फाइनल लुक दिखाते हैं, क्योंकि हमने अभी वॉश भी कर लिया, बाइक को पॉलिश भी कर लिया. अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है बाइक. एकदम डेविल, हमने इसका नाम भी रख दिया डेविल. तो चलिए देखते हैं. तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमने इसे वॉश करके फिर पॉलिश करके रख दिया है. इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, मस्त लग रहा है. ये आप विंडशील्ड देख सकते हैं सामने से, और अभी देखिए पीछे से लुक भी कैसा आ रहा है. चेसिस थोड़ा लंबा हो गया, लंबा कर दिया है, मतलब लंबा जैसा दिख रहा है आपको. और हमने आधे से इसको ब्लैक कर दिया चेसिस. तो अभी लुक कैसा आ रहा है बताइए कॉमेंट पर. इसका ग्राफिक्स मिडिल में हमने वाइट रख दिया है, कॉकपिट व्यू. अभी दिखाता है बैक सीट, तो आप पीछे से देखिए काफ़ी कूल लग रहा है ये, एकदम डेविल. नीचे से देखिए. तो
तो गाइस मैंने वीडियो में दिखाया है आप कैसे घर पे ही स्प्रे पेंट के थ्रू आप कलर कर सकते हैं घर पे ही। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जहाँ पर आपको दिखाता है कि स्प्रे पेंट टिकता नहीं है। एक्चुअली में सीधा स्प्रे पेंट लगाने से वो ज़्यादा टिकता नहीं है। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन मैंने जो आपको प्रोसेस दिखाया है उससे करोगे तो आपको एक दो साल में तो नहीं निकलेगा भाई। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसका हिसाब से अगर आपको करना पड़ेगा तभी आपका कलर टिकेगा। मेरा पिछला कलर आपको याद होगा ऑरेंज किया हुआ था, वो वीडियो आप चेक कीजिए। 2 साल हो गया फिर भी वो कलर 2 साल का बाद भी कहीं पे कोई स्क्रैच भी नहीं था, कहीं पे कुछ भी नहीं था, जैसा था वैसा ही था कलर। इनका रिएक्शन तो देखो यार। यार बहुत मेहनत लग गया ये वीडियो बनाने में, 1 हफ्ता लग गया यार इसको बनाने में। यार वीडियो को लाइक करो यार, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, आप इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ठोको यार, वीडियो बहुत मेहनत लग गया वीडियो को बनाने में।